अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद यूनुस और आप लोग देख रहे हैं अवेलेबल एजुकेशन। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलिए। ये आप लोगों के सामने जो पेपर है, ये पेपर है 2021 खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का बीएस पैरामेडिक्स हेमाटोलॉजी का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का। देखिए ये सारा पेपर मेरे पास मौजूद है, ये है 2021 का पेपर और इस तरह मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 2020 का पेपर। इसके अलावा मेरे पास जो फार्माकोलॉजी के पेपर्स है, यहाँ पर फार्माकोलॉजी, इस तरह जो है ना पैथोलॉजी, फार्मा फार्मा, ये सारे पेपर मेरे पास मौजूद है और मैं इंशाल्लाह एक एक पेपर को आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो ये आप लोगों का कोर्स करिकुलम है, ये हेमाटोलॉजी का कोर्स करिकुलम है, हेमाटोलॉजी 1 का, जो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी, बोन मैरो एंड हेमेटोपोयोसिस, ये सारे चैप्टर आप लोगों के हैं और अभी से आप लोग सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, एक ही चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे। तो बोन मैरो एंड इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी, इन दोनों चैप्टर को हम छोड़ेंगे और हेमाटोपोयोसिस जो चैप्टर है, इसके जो एमसीक्यूज है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि हेमाटोपोयोसिस में बोन मैरो भी कवर हो जाता है इनके एमसीक्यूज में, और पास पेपर को हम फिर एग्जाम के करीब इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो अभी से हम चलते हैं हेमाटोपोयोसिस के एमसीक्यूज पर, कि हेमाटोपोयोसिस से किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और इंशाल्लाह पैथोलॉजी जो हेमाटोलॉजी है, हेमाटोलॉजी में हेमाटोपोयोसिस से लेकर आखिर तक जितने भी चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर करके हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और इसके स्ट्रांगली एमसीक्यूज बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी और जो चैप्टर आप लोग पढ़ ले तो उस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज पर आते हैं और किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं इसका आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से, लेट्स स्टार्ट इट।